तो एक और बार आ चुके हम लोग माइनक्राफ्ट में, और हमारे पीछे देखो हमारा पुलिस स्टेशन इंडियन माइनक्राफ्ट पुलिस फोर्स आ चुके हैं यहाँ पर, और ढेर सारे लोगों ने अपने नए नए घर भी बना लिए हमारे सर्वर पे यहाँ पर आसपास में। तो बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं पिछली बार जब हमने स्ट्रीम पे दिखा था तब से लेके अब तक, और हमारे घर के अंदर भी विक्रम भाई ने बहुत ही बड़ी सॉर्टिंग मशीन बनाई है गाइज, बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी सॉर्टिंग मशीन। ये देखो यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ से यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डालेंगे तो यहाँ से होते हुए सीधा अंदर चली जाएगी, और यहाँ पर देखो बहुत सारी यहाँ पर चेस्ट बनाई है, और ये पूरी बहुत ही बड़ी सॉर्टिंग मशीन बनाई, जहाँ पे भी हमने सामान रखा है वो सामान वहीं पे आके रुकेगा, सारा सामान हम एक साथ डालेंगे तो भी यही पे आके रुकेगा, कहीं पे भी डालेंगे तो भी, है ना विक्रम भाई? देखो ये विक्रम भाई की मेहनत बहुत ही, दो दिन से पूरी रात रात निकाल निकाल के पूरा दिन रात करके पूरी पूरी मशीन बनाई उन्होंने। देखो जो भी कचरा होगा वो इन तीन चेस्ट में आके रुकेगा गाइस, जो भी एक्स्ट्रा चीजें होगी वो सारी इन तीन चेस्ट में आ जाएगी। देखो मैं वो डाल रहा हूँ, ठीक है मैं कुछ डालू अंदर, रुको मैं अपना अंडर चेस्ट डाल रहा हूँ, देखो यहाँ से जाएगा अभी वो, देखो जा रहा है वो कुछ देर बाद, अभी वो शॉर्ट होते हुए थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आएगा, वो आएगा ना आएगा पक्का आएगा वो कहीं और ना चला जाए 450 ऊपर लगे हैं, वाह वे होए, मुझे लग रहा है मेरा चेस्ट गया आएगा आए तो बता ना, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ चला गया बस सच में आएगा ना आएगा पक्का, कितने दो दिन में आएगा के तीन दिन में आएगा पक्का आएगा। गायब हो गया अंडर चेस्ट, वो आ गया, आ गया, नाइस पहुंच गया फाइनली ये। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें है वो सारी यहाँ पर आ जाती है गाइस, टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे सॉर्टिंग मशीन काम करती है अपना। देखो यहाँ पर अगर हम देखो यहाँ पर चिकन, सारे चिकन यहाँ पे इकट्ठा किए, तो हमारी जो चिकन मशीन है उसको सीधा यहाँ पे हमने जोड़ दिया है चिकन यहाँ पर, तो वो वुल फार्म जोड़ने वाले हैं। हाँ हम वुल फार्म भी जोड़ने वाले हैं यहाँ पर सीधा, शुगर फार्म, वुल देखो फार्म। मैं चिकन मशीन दिखाता हूँ आपको, एक चिकन बड़ा हो जाओ, बड़े हो जाओ चिकन, अरे इसमें चिकन बड़ा, और रुको पंख डालते हम, चिकन चिकन तो अभी है नहीं, टाइम लगेगा, तो इसमें चिकन एंड पंख, यहाँ पर चिकन मरता है तो उसमें से चिकन निकलता है और दो पंख निकलते, तो वो सब यहाँ पे आता है और ये चेस्ट में से सीधा वो खींच लेता है वहां पर। चलो तो देखो वहां से नीचे अंडरग्राउंड से आते हुए सीधा अंदर आके यहाँ पर देखो ये जा रहे पंख, देखो ये फिर वहां से ऊपर जाके वो सॉर्टिंग मशीन में गिरते है और फिर यहाँ पर आते हैं, देखो ये बढ़ रहे, देखो 6 7 8 9 10 ये फिर चिकन का भी सेम है, देखो अगर हम चिकन ले जाके डालेंगे वहाँ पे ढेर सारे, या फिर वहाँ पे नहीं तो यहाँ पर भी डाल सकते, देखो यहाँ पर भी हम चिकन डाल सकते हैं, या फिर एक और चेस्ट यहाँ पर है यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं चिकन, देखो तो यहाँ से सीधा वो खींचने लगेगा, यहाँ पर देखो अंदर जा रहा है, देखो वो जा रहा है वहाँ पे, कुछ भी डालो मतलब सारी चीजें सॉर्टिंग, यहाँ पर हमने जो भी रखा हुआ है वो सॉर्ट होते हुए इसमें आ जाएगी हर एक, देखो नाइस, देखो कितना बड़ा बनाया हमने, देखो गाइस हर एक चीज मतलब, देखो कोबलस्टोन, देखो कोबलस्टोन अगर हम डालेंगे कोबलस्टोन भी आ जाएंगे, टिंग 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 टिंग, देखो कोबलस्टोन जाने लगे रोन भाई। हाँ सामने से तो छोटा दिख रहा है पर पीछे से, हाँ दिखाऊंगा रुको, तो अरे दिखाया मेरे पीछे से भी थोड़ा सा, देखो अभी थोड़ी देर के बाद कोबलस्टोन भी जाएंगे, पहले चिकन खत्म होंगे फिर कोबलस्टोन आएंगे, या फिर बीच में भी आ सकते हैं कोबलस्टोन, तो यहाँ से ऊपर जाता है लिफ्ट में, हाँ जो पहले आता है वो पहले शॉर्ट होता है, फिर ऐसा एक एक करके सारी चीजें लेकिन अपनी अपनी जगह पे चली जाती है, देखो कोबलस्टोन जाना चालू हो गया, ये देखो कोबलस्टोन वो अपनी जगह पे जा रहे होंगे, ये देखो देखने के लिए शीशा लगा दिया,
देखो कैसे मस्त जा रहा है। मैं तो एक दिन ऐसे खड़े खड़े देख रहा था कल रात को पूरा, क्या मस्त जा रहा है करके एक एक करके देखो। और ये मशीन बहुत ही बड़ी है गाइस, बहुत ही बड़ी। देखो यहाँ पर कितने सारे होपर, कितना सारा आयरन लगा पता है, आयरन ट्रेड कर करके। और विक्रम भाई ने आयरन 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 देखो कितनी सारी चीजें यूज की है। ऊपर भी और भी लाइन है पूरी, ऐसी जैसी यहाँ पर लाइन है वैसी सेम ऊपर एक और लाइन है, वैसे इस तरफ भी जाती है एक और लाइन। देखो ये पूरा बहुत ही बड़ा मशीन है, ये बहुत ही बड़ा। इसके ऊपर एक और ऐसी लाइन है यहाँ पर आयन 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 कर करके विक्रम भाई मुझे आयन दो खाने में क्या चाहिए आयन आयन वो कोई पूछेगा खाने में क्या चाहिए आयन दो। डायमंड की भी वैल्यू कम हो गई थी, इतना आयन की जरूरत पड़ गई थी हमें। चलो आ जाओ फिर हम चलते हैं उस तरफ। और क्या क्या दिखाना था लोगों। हाँ एक्सपी फार्म देखो गाइस, एक्सपी फार्म भी बनाया हमने बहुत ही सुपर वाला इस बार, और भी अलग सा। ये देखो तो ये देखो मेरा लेवल अभी 50 है, देखना गाइस अभी मेरा लेवल 50 है ठीक है। अभी मैं कैल्प इकट्ठा करना चालू करूंगा एक एक करके। देखो 57 सीधा, वाव। देखो 64 अमीर हो गए। देखो क्या एक्सपी बढ़ता है, मतलब सोचो 69 हो गया सीधा, एक सिर्फ एक एक, एक एक करके देखो 74 सीधा। देखो मतलब इतना सुपर लेवल अप होता है इस वाले एक्सपी फार्म में कि क्या बताऊं मैं। रोहन भाई हाँ, कपड़े ठीक करने की मशीन है हमारे। हाँ ये कपड़े टूल्स वगैरह रिपेयर करने के लिए एकदम इजीली हो जाएगा सब कुछ। अब हमें डायमंड्स वगैरह की जरूरत ही नहीं है। हाँ अभी हमें कुछ भी चीजें ही नहीं चाहिए पता है, अब तो सिर्फ अटैक वटैक करना है। हमने वीदर के लिए वो भी फाइंड ढूंढ लिए थे ना। अरे हाँ हाँ हमने फिर हमने रात को कल रात को ही ढूंढे। ये देखो हमारे पास देखो ये विथर स्केलेटन स्कल एक यहाँ पर है, और दो मेरी सीक्रेट जगह पे मैंने छिपा के रखे। तो तीन, दो रामास को मिले और एक निक को मिला, टोटल तीन हो गए। तो हम विथर को भी अभी बुला पाएंगे गाइस, अटैक करेंगे विथर पे ताकि हम बिकन। तो एक और चीज मैंने कंप्लीट कर ली है, देखो गाइस बहुत सारी ट्रेडिंग कर करके मैंने। ओए किसने मारा मुझे? तो आयरन, अरे ब्लॉक ऑफ एमरल्ड गाइस, ढेर सारे ब्लॉक ऑफ एमरल्ड मैंने इकट्ठा कर लिया। अभी हम बीकन भी बना पाएंगे हमारे गांव पे, बहुत ही मस्त हो गया है। और देखो देखो सुनो 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 सुनो, अभी ये इसने देखो अपना घर कहाँ पे आसपन की इच्छाओं में बनाया, उसको बोलो उसका घर आधा तोड़ना पड़ेगा उसको ठीक है। एक एनफील्ड का घर है ना, उसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमा होने वाला है, प्लस उसने अपना घर मतलब कहाँ पहुँचाना कहाँ चाहता है वो बताओ मुझे पहले, है कहाँ पहुँचाएगा ये। इसको तो बोलो कि पता नहीं क्या बना रहा है, देखो ना कहाँ तक पहुंचा है इसने, इतनी परमिशन नहीं है। उसको बोलो कि तोड़ना पड़ेगा ऊपर का हिस्सा, थोड़ा सा लिमिट में होता है। तो वही तो और भी ऊपर कर दिया उसने पिछली बार से भी, पिछली बार वहां तक था अभी और भी ऊपर कर दिया उसने। इसको तोड़ने बोला था वो क्रीपर बनाया देखो उसने। हाँ हाँ क्रीपर बनाया इसने, ये देखो यहाँ पे क्रीपर की डिजाइन बनाई है, काफी कुछ हो चुके। चलो हम ऊपर जाके हमारा गांव देखते आ जाओ, और कितना हिस्सा तोड़ना है उसको बता देते स्ट्रीम में ताकि वो स्ट्रीम देख के समझ जाए। आ जाओ लिफ्ट। तो पिछली बार इस घर में भी हमने रेड की थी और इलीगल दो दो चिकन मशीन मिली थी हमें, इसलिए इसके ऊपर भी मुकदमा होने वाला है। एक ही घर पे दो दो चिकन मशीन। अरे लिफ्ट कहाँ गई? इधर इधर इधर। अच्छा यहाँ पर है, नीचे या पे ऊपर? ऊपर जाना है हमें। देखो कितना ऊपर आ गए ऑलरेडी, लेकिन नहीं इसको और भी ऊपर बना रहा है, इसने और भी ऊपर बनाया देखो। यहाँ पर एक और लिफ्ट है ये देखो, ये नहीं थी पिछली बार। ये इतना और इसको इतना भी नहीं पसंद, और ऊपर इसको और ऊपर जा रहा है। कहाँ जाओगे? आसमान को छुओगे क्या? ये देखो ये सब उसको तोड़ना पड़ेगा ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया ये हमारा गांव। बैठ के चलो रन भाई, ये मैप दिख रहा मैं को तो देखो। मैप प्रिंट कर लिया। तो देखो हमारा पूरा गांव यहाँ से दिख रहा है। इसने ऐसा बनाया क्यों? ऐसे कुछ जरूरत नहीं उसको, फिर भी इतना बड़ा ऐसे किया, मतलब लिमिट में होता है इतना। देखो ये तो लिफ्ट बना ही उसने देखो। हाँ अब इसके ऊपर उड़ जाएगा। नहीं ये सब नहीं चलेगा, उसको बोलो कि बादलों से नीचे होना चाहिए बेस।
अरे आपको बनाना है ना। अरे हाँ, बिकन बनाना है, इसके जगह बिकन भी भूल गए। चलो हमारा ग्लास भी रेडी हो रहा होगा। आपके पास कितने ग्लास हो गए? मेरे पास तो काफी है, तुम लोग रखो बाकी के। हाँ मैं रखता हूँ बाकी। चलो एक ग्लास भी नहीं बना, शुरू करते हम लोग। अरे रुको ना। हाँ क्या हुआ? उसके नीचे रखने के लिए हमको ब्लू वो लेते हैं, टेराकोटा वगैरह कुछ। किसके नीचे? ब्लू कलर का इफेक्ट है। हाँ मतलब फ्लोर बनाने के लिए कितना खूबसूरत है ये फ्लोर बनाओ ना, इससे बहुत अच्छा लगेगा एक्वेरियम में। क्या वहाँ बीकन के नीचे का फ्लोर बनाना? अच्छा हाँ एक्वेरियम, हाँ वो भी है एक्वेरियम, अच्छा दिखेगा। वो है क्या टेराकोटा? ऐसे बनाना पड़ेगा तो बना लेगा। विक्रम भाई के पास होंगे ही। ये लगुलाल कौन लेग हो रहा है वहां पे? लैग होने के बाद भी इनकी स्पीड 100 से 10 हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है। 3 रुको 4 5 ए हट। अरे हमारी जेल आ रही है वहाँ पे। ओए जेल है हमारी। एक दो तीन सही रन भाई, 10x10 चलो है ना, 10x10 एक एक्स्ट्रा ब्लॉक। इतने में एक्वेरियम अरे काफी बड़ा बनेगा, काफी जगह है, काफी जगह एक्वेरियम के लिए। जेल तोड़ो। नहीं जेल नहीं टूटेगी। 10x10 में कितने ब्लॉक लगेंगे रोन भाई? काफी सारे, बहुत सारे, 100 ब्लॉक्स। 10x10 100 ब्लॉक्स लगेंगे। 100 इसको इसके ऊपर लगाएंगे कि अंदर लगाएंगे, क्या करेंगे? नहीं नहीं थोड़ा 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 एक हाँ, एक स्टेप नीचे तोड़ना सही रहेगा, अच्छा लगेगा। हाँ ऊपर तो अच्छा नहीं रहेगा। टिंग 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 ज्यादा ही फास्ट है यार। हाँ ऐसे ऐसे में एक ही क्लिक करो, एक ही क्लिक 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 बड़ा सीधा खड्डा हो जाएगा। ये देखो विक्रम भाई खड्डे में गिर गए। नहीं इधर देखो एक्वेरियम में आने की तो क्यों नहीं बना लेंगे ये लोग? हाँ क्या एक्वेरियम में आने के लिए, एक्वेरियम में आने के लिए क्यों तो नहीं बना लेंगे ये लोग? अरे एक्वेरियम में मिलेगा क्या इन लोगों को? मच्छी खाने आएंगे क्या? भरोसा दी रात भाई। अरे रन भाई हाँ, पर अगर हम इसमें ये लगा दी, हमने ये लगा दिया अगर क्या, तो हम इसके ऊपर वो नहीं लगा पाएंगे ना क्या, स्टैंड वगैरह मतलब जिसके झाड़िया वगैरह? रोन भाई ये लगाया ना। ओ, वो भी है गलत है ये डिजाइन है, लेकिन शुरू से चलो ना। है ये किसी डिजाइन है ये देखो अभी नहीं, ये तो मुझे ये डिजाइन नहीं लग रही है। रुको मैं डिजाइन बनाता हूँ, रुको मैं बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ देखो। ये डिजाइन है क्या? शायद नहीं है। रुको ना मुझे ट्राई मैं रुको तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये डिजाइन है देखो, ये देखो सही है, ये देखो ये दोनों डिजाइन है। ये देखो ये परफेक्ट है शायद, देखो यहाँ पे देखो परफेक्ट है ये, देखो यहाँ पे एसी भी बन रहा है। ये गलत है, ये गलत है रोन भाई। इसकी ट्रिक एक एक ब्लॉक एक छोड़ दो, एक लाइन में जैसे ब्लॉक लगता है ना एक छोड़ दो उसका। अरे रुको रुको ये थोड़ा सा गलत लगा है, लेकिन नहीं 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 ये वाला थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा हाँ ऐसे लगेगा ऐसे। अभी सही है फिर ये मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं ऐसे नहीं, रुको रुको तो थोड़ा अलग एंगल से लगाना पड़ेगा, अलग एंगल से। ये देखो परफेक्ट नहीं है हाथ में भाई, मुझे नहीं डिजाइन निकला ऐसे। अच्छा सुनो हाथ में दिख रहा है, देखो हाथ में दिख रहा है, क्या दिख रहा है किस तरफ देखो ना, डिजाइन कोना दिखेगा आपको, कोना दिखेगा ये मतलब किधर करेगा वो, कैसे दिखेगा कोना दिख रहा है आप उससे अंदाजा लगा पाओगे मतलब? देखो ना अरे थोड़ा सा मुझे दो। अच्छा समझ गया ऐसे। हाँ अरे ये हिस्सा तो मैच नहीं हुआ ये वाला, सही है भाई, मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है। एक इधर लगाओ एक मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है ऐसे ही। नहीं ये गलत है,
लग सकते नहीं लगते कैल्प कैसे लगाओगे आप वो रेत में डर्ट में लगते कैल्प नहीं कोबल स्टोन पे कैल्प लगता है पक्का कोबल स्टोन हाँ पक्का मैं वैसे उसी को तो बना ठीक है चलो राबाज लगा दो फिर डिजाइन जैसे भी लगाओ मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही अब यार डिजाइन डिजाइन में कुछ नहीं दिख रहा मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ हटो यार कौन डिजाइन बनाएगा ये देखो मेरी डिजाइन ओपी डिजाइन है ये ये डिजाइन के चक्कर मेरी आंखें चकरा गई है चलो मैं ग्लास लगा रहा हूँ हटो डिंग 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 अरे दीवार बीच में आ गई डिंग 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 ओए यहाँ पे खड्डा खड्डा किसने छोड़ दी सैंड भर दूंगा बाकी नहीं इस खड्डा नहीं होना चाहिए सैंड सैंड भर दो इसमें नहीं है और अरे दो ब्लॉक चाहिए सिर्फ दो ब्लॉक कब पड़ गए नहीं है दो ब्लॉक उठा के लाओ कैसे डिंग 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 अरे पूरा काम बेचारे रन भाई को ही करना पड़ता है मेरा मेरे पास एक बकेट है चलो अभी पानी पानी अरे पानी का इंतजाम करो पानी वाह ये यहाँ पे वाटर सोर्स को सिंगल कर दिया इन लोगों ने डिंग 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 हो गया पूरा हो गया हाँ पूरा हो गया ओके हटो फिर बंदर के ग्लास हट जाओ एफिशिएंट उससे तोड़ना ठीक है फिल्टर हाँ हाँ हट जाओ मैं नहीं हूँ वहाँ पे विक्रम भाई अच्छा विक्रम भाई डिंग 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 हो गया हाँ नहीं बाकी है क्या बाकी है देखो ना यहाँ पर देखो ये देखो मैं बोला था क्या यहाँ पे टूटा हुआ है ये देखो अब ठीक हो गया मुझे लग रहा था आंखों का धोखा नहीं था मेरी आंखें सही आप लोगों की आंखें धोखा दे रही थी वो लग रही है भाई नाइस कैल्प कहीं पे भी उग जाती है सही है नाइस नाइस दादा आगे मतलब आगे से व्यू ढक जाए ना ऐसे मत लगाना मैंने तो थोड़ा सा लगाया है ना रन भाई बाकी के लिए लिखा तो इतना काफी है डिजाइनिंग अरे ये कौन डूब रहा है मेंढक जिस पे बैठा वाला ना रन भाई हे मेंढक क्या उड़ाने का प्रोग्राम मैं तीर निकाल के बैठा हूं अरे उड़ाओ किसको उड़ाना है बताओ अभी वो बहुत उड़ाया आज तो हमने घर में से बाहर निकलने दी उड़ाओ उड़ाओ यहाँ पे जो भी दिखा सबको उड़ाओ मजे से उड़ाओ चलो लग गया देखो यहाँ से हम ऊपर भी चढ़ पाएंगे अब तो कुछ ज्यादा ही लगा दी ऐसा लगा मेंढक आके फुदकेंगे इस गेम में मेंढक क्यों नहीं है विक्रम भाई है ना देखो विक्रम भाई मेंढक बोला आपको ये देखो चलो मैं काम करता हूँ बीकन के ब्लॉक भी लगाना चालू करता हूँ फिर बीकन लगाना बाकी रहेगा है ना हाँ बीकन फिर हम विथर को स्पॉन करके फिर बीकन लाएंगे अरे नेथराइज स्टार क्या बोलते उसको हाँ नेदर स्टार लाएंगे हम बीकन 9x9 का लगेगा और वाह किसने मारा दूर से आई है कहीं से देखो सामने वो क्या कर रहा है निकलो यहाँ से अच्छा नहीं उसके पास था किसने मारा लेकिन हम मरने वाले नहीं देखो बहुत ही पावरफुल बीकन बनने वाला है क्योंकि हमारा जो वो वाला सर्वर है उसमें भी ये वाला बीकन बनाना बाकी है उसमें भी हमने मैक्सिमम गोल्ड का बनाया हुआ है उसमें भी मुश्किल है उसमें वही तो उसमें भी मुश्किल है इसमें ट्रेडिंग कर करके जो हमने इकट्ठा किया इतना मतलब पता है दो तीन पूरी रात जाग के ट्रेडिंग कर करके इकट्ठा किया मैंने ये अचीवमेंट वाला सर्वर है ये इसमें बिल्कुल भी कुछ भी चीटिंग नहीं कर सकते इसमें
टिंग 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 एक दो तीन चार पाँच ओके एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है एक दो तीन चार पाँच छः सात क्या 9x9 का है ठुल्लू किसने किसने काउंट किया 9x9 किसने काउंट किया बेबी नहीं नहीं ये राबास ने काउंट किया गलत काउंटिंग राबास गलत बात 9x8 का था वो रन भाई ये हाँ। घर के एक्वेरियम में रहने वाली मछलियां कितनी अमीर होगी सोचो हाँ अमीर मछलियां होगी उनके पास कितनी सारी चीजें होगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ओके एक तरफ नाइन था ही नहीं रामाज बोला है हाँ हाँ 9x9 का है करके नहीं सुनो सुनो आपने जो अंदाजा लगाया था ना वही मैंने भी लगाया था नहीं ना मुझे लग रहा था कि गलत है इसीलिए तो मैं अंदाजा नहीं लगाया मैं बोल पूछा कि है सच में नहीं ये बोला कि बना कि नहीं बना देखो 9x9 का बना ही नहीं था डिंग 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 खजाना देखो बीकन बन रहा है यहाँ पे गांव वालों सबके लिए पावर मिलेगा फ्री फ्री पावर मैंने पुलिस हाँ इसीलिए तो पुलिस स्टेशन के पास में बनाया हमने कोई चोरी ना कर ले एक भी एमराल्ड गायब ब्लॉक गायब हुआ तो सबकी धुलाई होगी पूरे गांव वालों की हाँ गवर्नमेंट की भी धुलाई होगी वो ब्लॉक वहां पे लग गया ओके यहाँ पर फाइनल बीकन बनेगा गाइस यहाँ पर शू करके पावर जाएगा फिर ऊपर आसमान में